जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। बहुत ही दुखद घटना है कि भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग हुई है और गोलीबारी में चार जवानों की मौत हो गई। यहां पर चार जवान शहीद हो गए हैं। ये घटना भटिंडा मिलिट्री स्टेशन की है। बुधवार की को जो है सुबह यहां पर फायरिंग हुई थी 4:30 बजे, जिसमें कि चार जवानों की शहादत हो गई है। और इस जो घटना है उससे पूरे पंजाब में और पूरे जो रक्षा मंत्रालय है, जो भी मिलिट्री के अहदेदार हैं, उनमें हड़कंप मचा हुआ है कि हाँ किस टाइप की घटना है। ये घटना सुबह 4:30 बजे की करीब बताई जा रही है, जिसमें कि जवान सो रहे थे और किसी ने यहाँ पर जो है फायरिंग किया। दोस्तों, मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग पर भटिंडा SSP उन्होंने बताया कि मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग आतंकी घटना नहीं है। सूत्रों के अनुसार बताया गया है कि भटिंडा मिलिट्री स्टेशन से मैगजीन के साथ एक इंसास राइफल 2 दिन पहले गायब हुई थी। लापता हथियार की तलाश की जा रही है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। घटना के बाद कैंट को पूरी तरह यहाँ पर सील कर दिया गया है। दूसरी जो यहाँ पे अजीब घटना हुई थी दोस्तों, ये इस तरह की घटना है कि जो बहुत ही अजीब टाइप की घटना हुई है, इसकी जाँच बहुत ज़रूरी है, तभी जाके यहाँ पर कुछ तथ्य निकल के आएंगे। 2 दिन पहले कैंट के जंगल से एक शव मिला था, जिसको कि कुत्ते नोच नोच के खा रहे थे। मृतक जो है सेना का जवान बताया जा रहा है दोस्तों। तो इससे पता लगता है कि यहाँ पर किस टाइप की यहाँ पर घटना हुई है। और जो अभी शाम को सूचना मिली है 7 बजे के करीब, उसमें बताया गया है कि इंसास राइफल जो गायब हुई थी कुछ दिन पहले, दरअसल यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट बात हुई थी कि कुछ दिन पहले एक इंसास राइफल गायब हुई थी, उसके साथ कुछ राउंड थे वो भी यहाँ पर गायब हुए थे और उसकी गुमशुदा रिपोर्ट लिखाई गई थी पुलिस में। सेना ने अपने बयान में कहा कि भटिंडा मिलिट्री स्टेशन फायरिंग की घटना में सर्च टीम ने मैगजीन के साथ इंसास राइफल बरामद की है। सेना और पुलिस की संयुक्त टीम अब जानकारी हासिल करने में लगी हुई है। 2 हमलावरों ने सोए हुए 4 जवानों को मारी 19 गोलियां। यहाँ पर ये बात सामने निकल के आ रही है कि उन्होंने जो इंसास गायब हुआ था, उन्होंने इंसास राइफल से सोए हुए 4 जवानों पर गोलियां बरसाई थी। सेना को मौके से गोलियों के 19 खोखे यहाँ पर बरामद हुए हैं। दो या तीन दिन पहले FIR यहाँ पर दर्ज की गई थी। यहाँ कोई आतंकी घटना नहीं है, पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है। राइफल गायब होने के 2-3 दिन पहले की ये बात है कि 2-3 दिन पहले यहाँ पर राइफल होने की गुमशुदा रिपोर्ट, प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज की गई थी और मामले की जांच की जा रही है। हम सेना के अधिकारियों के संपर्क में हैं, ये बात यहाँ पर पुलिस के द्वारा कही गई है। गोली चलाने वाले एक शख्स को सेना ने अभी हिरासत में लिया है और उससे गहन पूछताछ यहाँ पर की जा रही है। जानकारी के अनुसार भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में आर्टिलरी GO मेस के स्टाफ बैरक में फायरिंग की घटना हुई है। इस रेजिमेंट में तैनात ज़्यादातर जवान दक्षिण भारत से हैं। सेना के 2 जवान ने मिलिट्री स्टेशन में की फायरिंग, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। अभी क्या इसमें सही है क्या नहीं है, लेकिन न्यूज़ के माध्यम से आ रहा है कि भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग की घटना के पीछे 2 जवानों का हाथ है। ये दोनों सेना के इसी आर्मी स्टेशन में तैनात बचाए जा रहे हैं, इनकी तलाश की जा रही है। अंधेरे का फायदा सुबह ये उठा करके फरार हो गए थे। तो ये जो घटना है दोस्तों, इस टाइप की घटना है कि इसकी बहुत ही नितांत जांच करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं फौज में होती नहीं है। और यहाँ पर क्या बात है जो कि आपस की घटना है, या इस तरह की घटना यदि आपस की भी होती है तो ऐसी कंडीशन नहीं होती है। तो ये अजीब मामला है पंजाब में, ज़रूर सेना को इसमें जाँच करना चाहिए। हालाँकि अजीत डोभाल साहब ने इसकी कमांड संभाल ली है, रक्षा मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं और काफ़ी उच्च स्तरीय इसकी जांच चल रही है और जांच चलनी भी चाहिए। जो सही बात है वो बाहर निकल के आनी चाहिए कि आखिर ये बात यहाँ तक कैसे पहुँची और इस तरह की घटनाएं कैसे सेना में हो सकती है। सेना में सभी ने नौकरी की है, लेकिन इस तरह की घटनाएँ कि राइफल गुम होती है, फिर वही राइफल से गोलियाँ चलाई जाती है, सेना का जवान गायब हो जाता है, उसका शव जंगल में मिलता है, कुत्ते नोच रहे होते हैं, और ये पता चला कि सुबह 4:30 बजे जिसमें 4 शख्सों की गांड छाड़ने की से डेथ हो गई है। अभिनेत्री ने फिर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया हुआ था, हमारे अफसर भी वहाँ हैं, वी आर इन टच विद द आर्मी अथॉरिटीज। तो आगे उनकी आइडेंटिटी का क्यों नहीं पता, क्योंकि अभी आर्मी ने हमें बताया नहीं। जैसे जैसे सिचुएशन डेवलप होती है, लेटिन हो मानते हैं वेरी श्योर दिस इज नॉट ए टेरर क्राइम और गैंगस्टर क्राइम और समथिंग, and this certain incident does not have an impact on the law and order of the general public. अभी जिला पुलिस की तरफ से क्या लीगल एक्शन है? नहीं, हम तो कार्रवाई कानून के हिसाब से करेंगे, वो हमें इन्फॉर्म करते हैं फॉर्मली, जो मिलिट्री अथॉरिटीज हैं उसके बाद हम जो लॉफुल एक्शन बनता है वो करते हैं। सर, एक राइफल भी चोरी हुई थी वहाँ से, उसके रिलेटेड भी घटना पुलिस ने किया है। FIR उन्होंने करवाई थी 2-3 दिन पहले, वहाँ से कोई राइफल चोरी हुई थी, तो दैट इन्वेस्टिगेशन आल्सो अंडरवे। तो अभी देखना ये होगा कि वो इंसिडेंट और ये इंसिडेंट इनका कोई रिलेशन है या दे आर सेपरेट इंसिडेंट्स। सर,
अभी तक की क्या इन्फॉर्मेशन है सर? अभी तक वही है कि चार जो बंदे हैं उनकी डेथ हो चुकी है एंड जो ज्वाइंट कासो है वो चल रहा है, तो उसके बाद जैसे सिचुएशन डेवलप करती है दो चार घंटे में और पता लगेगा, आर्मी अथॉरिटीज और इन्फॉर्म कर देंगी एंड वी कैन शेयर विद द पीपल। हालांकि पंजाब सरकार में मिनिस्टर है अनमोल गगन मान, उन्होंने कहा कि यहाँ आतंकवादी घटना नहीं है बल्कि आपस की लड़ाई है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। अभी देखना होगा कि ये जो घटना है किस टाइप की घटना है और यहाँ स्थिति किस कारण बनी है।